हेलो फ्रेंड्स, आप सभी जानना चाह रहे होंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा एमपीपीएससी का, और कई सारे स्टूडेंट्स जो हैं असमंजस में हैं, बॉर्डर लाइन पे हैं, उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं कुछ आपको बेसिक से टिप्स लेकर आई हूँ और यहाँ हम चर्चा करेंगे थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ लगभग कितनी जा सकती है अनुमानतः। तो दोस्तों, अगर आप 70 से ऊपर हैं, चाहे आप अभी किसी भी कैटेगरी में हैं जनरल बॉयज़ को छोड़कर, तो मैं आपसे कहूँगी कि जनरल बॉयज़ अगर आप 70 से ऊपर हैं जनरल बॉयज़ को छोड़कर, तो आपको सीधे से सीधे मुख्य परीक्षा की तैयारी में लगना चाहिए। और अगर आप जनरल बॉयज़ हैं और अगर आप अभी भी 75 प्लस स्कोर कर पा रहे हैं, तो आप 100% श्योर हैं कि एमबीबीएससी में आपको मेंस लिखने के लिए मिलेगा। जनरल जो गर्ल्स हैं, अगर वो 71, 72 इतने नंबर पर अगर हैं, वो 70 प्लस हैं, तो उनको भी तैयारी करनी चाहिए। और बाकी सभी कैटेगरी, तो जो भी 70 प्लस हैं, उनको ये प्रिपरेशन करनी ही चाहिए। क्योंकि अगर हम बात करते हैं, अगर हम चर्चा करते हैं, तो ऐसे कोई भी स्टूडेंट्स नहीं हैं। आपने कई सारे ऑडियो वीडियो और यूट्यूब पर कई सारे लोगों से सुना होगा कि कई लोगों के 85 प्लस आ रहे हैं, कई लोगों के 80 प्लस आ रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, 80-85 वाले लोग नहीं हैं। और जिनके जो पहले एमबीबीएससी की जो विभिन्न कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके अगर स्टूडेंट्स ने उनकी आंसर की से मिलाया था, तो भले ही उनके इतने 78-75 इतने नंबर हो रहे थे, लेकिन आयोग की आंसर की से अब 75-74 वाले भी बहुत ही कम हैं स्टूडेंट्स, खासकर यूआर बॉयज़ में। तो जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, चाहे भले ही पेपर इजी ही रहा हो, लेकिन जो कट ऑफ है वो किसी भी कीमत पर 75-76 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। जितना कि मेरा कई वर्षों का अनुभव है कि इतनी ज़्यादा कट ऑफ नहीं जा सकती है। हाँ, जब बहुत इजी पेपर आता था 2015-16 में, तब भी कट ऑफ जो है वो 78 तक जाती थी। जब बहुत इजी पेपर आता था, जब सब लोगों के 85-86 इतने नंबर आते थे, 88-90 तक नंबर आते थे, तो अब तो प्रश्न ही नहीं है। तो अब आपको प्रिपरेशन में क्या करना चाहिए, अभी जो आपके पास एक महीने का टाइम बचा है। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आप इंतज़ार करेंगे कि जो रिज़ल्ट है, तो वो रिज़ल्ट तीसरे हफ्ते की जुलाई में आएगा, दूसरे से तीसरे हफ्ते में, तो तब तक आपको जो है एक से डेढ़ महीना लगभग लग सकता है। तो अगर आप एक से डेढ़ महीने एमपीपीएससी मेंस की प्रिपरेशन नहीं करेंगे, तो आप ऑलरेडी कई सारे स्टूडेंट से पीछे हो जाएंगे। और कई सारे स्टूडेंट से पीछे होने का मतलब ये है कि आप अपनी ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो मेरा एक बहुत ही बेसिक सा सजेशन है कि अगर आप 78 प्लस सुरक्षित हैं, तो आप मुख्य परीक्षा की तैयारी कीजिए। 68 प्लस में कौन कौन से कैटेगरी वाले मुख्य परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं, तो जो भी 68 प्लस हैं, वो ईडब्ल्यूएस, अगर ईडब्ल्यूएस बॉयस और गर्ल हैं, तो अगर वो मुख्य परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो वो करें। और ख़ासकर अगर एससी और एसटी कैटेगरी में अगर 68 प्लस आप लोगों के नंबर आ रहे हैं, तो आपको मुख्य परीक्षा की तैयारी में बिल्कुल आज से ही, अभी से ही लग जाना चाहिए। और आपने जैसे कि 19 तारीख को पेपर हुआ था और आज 25 तारीख है, तो 19 से 25 आपने ये 6 से 7 दिन का ब्रेक ले लिया है, और इनमें आपने बिल्कुल भी मुख्य परीक्षा की तैयारी नहीं की होगी। इवन मैं तो यह कहती हूँ कि आपने शुरुआत भी नहीं की होगी, तो अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी से ही आप अगर आज इलेक्शन का डे है, तो आप आज के बाद से जब भी आप शुरुआत करना चाहें, तो आप शुरुआत करिए। अगर शुरुआत में आपको यह समझ में नहीं आता है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपको नवीनतम जो यूनिट्स हैं उनको आपको पढ़ना चाहिए। जैसे कि आप रियासतें पढ़ सकते हैं, मध्य प्रदेश की रियासतें, प्रबंधन पढ़ सकते हैं, समाजशास्त्र पढ़ सकते हैं, रोग एवं उपचार पढ़ सकते हैं, प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान पढ़ सकते हैं। और अगर आपको इन सब के नोट्स आपको उपलब्ध नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सभी नोट्स की लिंक है, तो आप उन नोट्स को देख सकते हैं और अपनी तैयारी सुनिश्चित कर सकते हैं। और बहुत ही इजी भाषा में विनर्स एजुकेशन पॉइंट द्वारा तैयार किए गए नोट्स हैं, तो उनको आप लोग देख सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, विनर्स एजुकेशन पॉइंट का टेलीग्राम ग्रुप भी है, उसमें भी आपको समय समय पर विभिन्न अपडेट्स मिलते रहेंगे। लेकिन
जो सारे स्टूडेंट्स हैं उनको मेरा यही सजेशन है, 70+ को 100% तैयारी करनी चाहिए। भले ही विभिन्न कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और जो टेलीग्राम पर पोल्स वगैरह आयोजित होते हैं, तो उन पोल्स को देखते हुए हो सकता है आपको डर लगे, क्योंकि पोल्स में कई सारे स्टूडेंट्स ने 75+ पे भी पोल कर दिया है। तो आप उन पर बिल्कुल यकीन मत करिए। जो सीरियस स्टूडेंट्स रहते हैं वो इन सारी चीज़ों में जो है अपना ध्यान नहीं देते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान देते हैं, अपने मार्क्स पर ध्यान देते हैं, वो इन स्टूपिड से पोल्स पर ध्यान नहीं देते हैं। तो जो है देखिए, अगर आप जो अभी 7 से 8 दिन बाद आपकी आयोग की फिर से एक रिवाइज्ड आंसर की आ जाएगी, उससे आपको स्थिति और क्लियर हो जाएगी। और ऐसा मेरा मानना है कि 2 से 3 क्वेश्चंस में ही आपके जो है आपत्तियां लगेंगी, और हो सकता है उनमें मल्टीपल आपको चॉइस का ऑप्शन मिले, क्वेश्चन डिलीट नहीं होंगे। आयोग ने अपनी रणनीति बदली है, और इसके साथ साथ ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि जो है पोस्ट भी इंक्रीज होने वाली है, तो हो सकता है पोस्ट भी बढ़ जाएँ। ऐसा सुना है कि नायब तहसीलदार की पोस्ट बढ़ने वाली है, तो अगर नायब तहसीलदार वगैरह की पोस्ट बढ़ जाती है तो आपका कट ऑफ और नीचे चला जाएगा, जो आपके लिए खुशखबरी की बात है। तो अभी आप बिल्कुल डिप्रेस मत होइए, और आपके पास मुख्य परीक्षा की तैयारी करना ही एकमात्र उपाय है। भले ही आपका कितना भी मन ना लगे, लेकिन अपने मन को फिर से स्ट्रॉन्ग करिए, फिर से कोशिश करिए अपने आप को रिवाइव करने की, ताकि आपका जो है टाइम वेस्ट ना हो। और अगर आप ये सोच रहे हैं, मान लीजिए किसी स्टूडेंट्स के 70 नंबर हैं, 71 नंबर हैं, और अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं होगा नहीं होगा, छोड़ो हटाओ तैयारी नहीं करते हैं, तो ये तो सरासर बेवकूफ़ी है। क्योंकि अगर बाई चांस आपका प्रीलिम्स में हो जाता है, कट ऑफ नीचे चली जाती है, तो फिर आपको उस समय बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट होगा कि मैंने अपना इतना टाइम वेस्ट कर दिया है। तो दोस्तों, आप अपनी तैयारी सुनिश्चित करिए। और जिन लोगों के 65+ हैं, अगर अनारक्षित बॉयस, अनारक्षित गर्ल, EWS गर्ल, EWS बॉयस और OBC कैटेगरी में अगर आपके 65 से कम नंबर हैं, तो आपको 100% अब प्री और मुख्य परीक्षा दोनों की तैयारी में जुट जाना चाहिए, क्योंकि 65 से कम नंबर में कोई भी स्कोप नहीं है। मैं आपको कोई भी झूठा वादा नहीं करूँगी, 65 से कम नंबर वाले अपना वो मत मानिए। और अगर आप OBC में हैं और EWS में हैं, तो भी अगर आपके 68 से नीचे हैं, तो आपका सिलेक्शन थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसीलिए अगर आप EWS OBC SC ST अगर आप 68+ हैं, तो आप बिल्कुल श्योर तैयारी करिए। 70+ हैं तो आप 100% अनारक्षित बॉयज़ गर्ल, अगर आप अनारक्षित बॉयज़ अगर 73+ हैं, तो आपको तैयारी करनी चाहिए, 100% आपको तैयारी करनी चाहिए। पिछली बार की जो कट ऑफ थी वो 70 गई थी, तो इस बार की 73-74 जानी चाहिए मेरे अनुमान से, क्योंकि जब पेपर सरल आता है तो कई सारे स्टूडेंट्स स्लीम मिस्टेक भी करते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो बने रहिए इसी चैनल पर, और आपके जो भी क्वेश्चन है वो आप कमेंट के जरिए बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।